नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। मायागंज अस्पताल में सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कहा, हमारी मांगे पूरी करो वरना होगा भूख हड़ताल। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भागलपुर इकाई द्वारा निकाला गया शोभा यात्रा। प्रशासन के द्वारा सुरक्षा को लेकर किए गए थे पुख्ता इंतजाम। भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस की एकता को देखकर बौखला गई है। 2024 में जनता उसे उखाड़ फेंकेगी, प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा। मालदा रेल मंडल द्वारा 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है स्वच्छता पखवाड़ा सप्ताह। भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान के तहत किया महेशपुर काली मंदिर प्रांगण की सफाई। और अब खबरें विस्तार से। मायागंज अस्पताल में सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कहा, हमारी मांगे पूरी करो वरना होगा भूख हड़ताल। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज में आज सफाई कर्मी प्रदर्शन करते दिखे। उन्होंने कहा, सफाई कर्मियों की चटनी की जाएगी, जिससे हम लोग काफी आक्रोशित हैं। हम लोग 2006 से यहाँ कार्यरत हैं, लेकिन अचानक हम लोगों को हटाया जाएगा तो हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। एक तरफ जहां अधीक्षक प्राइवेट कंपनी की एजेंसी से मिलते रहती हैं, वहीं प्राइवेट कंपनी की एजेंसी दूसरी ओर अधीक्षक से मिलने की बात कहती हैं। हम लोगों का कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, अगर हम लोगों की बातें नहीं मानी गई तो उग्र प्रदर्शन होगा, और फिर बातें नहीं हुई तो भूख हड़ताल पर हम लोग चले जाएंगे और काम बंद कर देंगे। रिपोर्ट श्यामानंद सिंह। चीज को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? जैसा कि अभी बताया हमारा सफाई कर्मी कि विगत हम लोग 2006 से काम कर रहे हैं और आए दिन नई नई एजेंसियां आती रहती हैं और हम लोगों को हमेशा बरगलाने का काम करता है, हटाने का काम करता है, जिसके लिए हम लोग यहाँ 2006 से काम करते हैं, जिससे कि हम लोगों का दाल रोटी चलता है, बाल बच्चे को इसी से पढ़ाने का काम करते हैं। अगर हम लोग को अचानक हटा कर अगर हम लोगों के साथ में अगर इस तरह का शोषण किया जा रहा है तो हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि सुपरिटेंडेंट साहब का कहना है कि आप एजेंसी से मिलिए, एजेंसी कहता है सुपरिटेंडेंट से मिलिए, ये इन दोनों के बागडोर का काम है और हम लोगों को परेशान किया हुआ है। अगर ये हम लोग जो है कि अभी हम लोग सारे पदाधिकारी को जो है कि एक आवेदन के माध्यम से सूचित कर दिए हैं कि हम लोग इस तरह का मामला है, अगर हमारा उचित निर्णय नहीं किया गया तो हम लोग 5 तारीख से या और 6 तारीख के अंदर हम लोग जो है हड़ताल करेंगे, और 6 से लेकर 10 तक उचित निर्णय होने पर अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 11 से हम लोग भूख हड़ताल पर जाएंगे। और अगर हमारे कर्मी को किसी प्रकार का अप्रिय घटना घटती है तो इसका जवाबदेही ना हमारा कर्मचारी होगा बल्कि यहाँ के अधीक्षक और एजेंसी के लोग होंगे। आप इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, हटाने की बात कहाँ से आई? ये हमको कल हमको ये सूचना मिला है एजेंसी के माध्यम से कि हम 150 कर्मचारी को हटा देंगे। तो हम बोले, भाई ये आप अचानक हमको क्यों बोल रहे हैं? बोला, हम नहीं बोल रहे हैं, ये मतलब जो है सुपरिटेंडेंट जो है हम लोगों को बोला है, क्योंकि उनको एक लेटर के आदेश आया है जिससे हम लोग को बोला जाए, चूँकि मेरा 17 से 18 लाख रुपया काटेगा तो हम 150 आदमी का छटनी करेंगे। तो हम बोले, भाई छटनी क्यों हमको कीजिएगा? आप समझिए, और आपका जो है सुपरिटेंडेंट है, आप दोनों के बीच में हम लोगों के बिचौलिया जो खड़ा किया हुआ है, इस बिचौलिया को पहले हटाया जाए। और अगर हम लोग ठीक है, अगर आपको हम लोग से कोई तरह की दिक्कत है तो हम सुपरिटेंडेंट को कहना चाहते हैं कि आप बिचौलिया घटा के अपने माध्यम से हमको 500 रुपये के रोज पे ही खड़ाइए, हम आपके अंदर में रहकर काम करना चाहते हैं। अब अपना परिचय। मेरा नाम संजय हरि अम्बेडकर है, हम यहाँ के जिला प्रवक्ता भी हैं। किस चीज़ को लेके आप लोग काला बिल्ला लगा कर प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग को पता चला है कि आपके जो सफाई कर्मी, हम लोग विगत 2006 से यहाँ काम कर रहे हैं और इसी पे हम लोग का भरण पोषण होता है, इसी से हम लोग का इसी पे आश्रित हैं। हम लोग को पता चला है, सूचना दिया गया कि आपके 150 सफाई कर्मचारी को यहाँ से कार्य मुक्त किया जाएगा। तो अगर हम लोग को कार्य मुक्त किया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग 2006 से यहाँ काम कर रहे हैं और इसी पे हम लोग का दाल रोटी का व्यवस्था है। आज हम लोग गए सुपरिटेंडेंट से मिलने के लिए तो उन्होंने कहा कि जाकर के एजेंसी से मिलो, ये एजेंसी की प्रॉब्लम है, ये हम लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। और जब एजेंसी से मिले तो एजेंसी भी बोला कि जाकर के सुपरिटेंडेंट से मिलिए, ये सुपरिटेंडेंट का प्रॉब्लम है। इसमें हम लोग सफाई कर्मचारी परेशान हो गए दोनों से मिलते मिलते। लास्ट में हम लोगों को प्रदर्शन करने का यही हुआ कि हम जितना भी भागलपुर के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, हमने उनको लेटर के माध्यम से यह सूचना दिया कि अगर हम लोग को 5 तारीख तक में हमारा सफाई कर्मचारी को छटनीकरण तो बंद नहीं किया गया,
तो 6 तारीख से हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले जाएंगे। अगर 10 तारीख तक अगर ये भी पूरा नहीं हुआ तो 11 तारीख से हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, इसलिए ये हम लोग प्रदर्शन किए हुए हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रकाश राम सुपर है, हम यहाँ माया गंज हॉस्पिटल में सफाई का काम करते हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भागलपुर इकाई द्वारा निकाला गया शोभा यात्रा, प्रशासन के द्वारा सुरक्षा को लेकर किए गए थे पुख्ता इंतजाम। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भागलपुर इकाई द्वारा तिलका मांझी शौर्य जागरण यात्रा का आयोजन किया गया। यह शौर्य जागरण यात्रा 28 सितंबर से प्रारंभ किया गया है, जो आज भागलपुर पहुंचकर नगर भ्रमण किया। आज का यह शौर्य यात्रा सब्बौर से प्रारंभ की गई थी। इस विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल द्वारा सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने हाथ में विजय ध्वज लेकर जय श्री राम के नारे लगाते दिखे। पूरा शहर जय श्री राम के नारों से गुंजायमान हो उठा। वहीं प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के उपाय इंतजाम थे। बजरंग दल दक्षिण के प्रांत नियोजन रंजीत कुमार ने कहा कि आगामी अयोध्या में श्री राम के मंदिर के उद्घाटन में यह झांकी उत्तर बिहार से पहुंचेगी और उद्घाटन का साक्ष्य बनेगी। साथ ही लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि श्री राम जन्मभूमि में बना रहे मंदिर के उद्घाटन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचें। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भागलपुर इकाई के तिलका मांझी शौर्य जागरण यात्रा के नगर मंत्री अमित कुमार, सह संयोजक आशुतोष कुमार ढिल्लो, पृथ्वीराज, सुनील श्रीवास्तव के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं शोभा यात्रा के दौरान प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। रिपोर्ट श्यामानंद सिंह। परिषद का शौर्य जागरण यात्रा पूरे देश भर में निकल रहा है, उसी के निमित्त जो है अपना इस भागलपुर विभाग का मुंगेर विभाग का तिलका मांझी शौर्य जागरण यात्रा निकल रहा है। और जो हमारा जो उद्देश्य है प्रत्येक हिंदू युवाओं को अपने जो वीर महापुरुष बलिदान और जितने भी हिंदू समाज के व्यक्तियों ने इस राष्ट्र के लिए, इस धर्म के लिए, इस जन्मभूमि के लिए बलिदान दिया है, उसको नमन करते हुए हिंदू युवाओं को याद दिलाते हुए, जागरण करते हुए यह यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा जो है बांका के मंदार पर्वत से प्रारंभ होकर के 8 अक्टूबर को पटना में बहुत बड़ी धर्म सभा के साथ जो है समापन होगा। और रामलला का मंदिर जो बनकर के तैयार है उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी 15 जनवरी से 24 जनवरी के बीच प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद सभी हिंदू समाज से आह्वान करने के लिए भी आए हैं कि आप सब 100 परिवार वहाँ जा कर के दर्शन करें और इसका अपने हम सब के जो आराध्य हैं प्रभु श्री राम, उनका हम सबको आशीर्वाद मिले। ऐसी रामराज्य की योजना से जो है पूरे दक्षिण बिहार प्रांत में जो है यात्रा निकाली जा रही है हिंदू युवाओं को लेकर के। जय श्री राम। रजनीश कुमार, बजंगल प्रांत संयोजक, दक्षिण बिहार। भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस के एकता को देखकर बौखला गई है। 2024 में जनता उसे उखाड़ फेंकेगी। प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा। भागलपुर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा भागलपुर पहुंचे। जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड 2024 की तैयारी में जुटी हुई है। इंडिया अलायंस 26 पारियों के साथ मजबूत स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी यह देखकर बौखला गई है, वह काफ़ी परेशान है, जिसके चलते उनके नेता उलूल जुलूल टिप्पणियां करते दिख रहे हैं। जनता 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी और इंडिया अलायंस को गद्दी पर बिठाएगी। वहीं कार्यक्रम के दौरान जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी भागलपुर, सांसद अजय मंडल, पूर्व राज्यसभा सांसद कहकशां परवीन, जेडीयू के पूर्व महानगर अध्यक्ष सुड्डू साई के आवास पर पहुंचे और कई कार्यकर्ताओं से भी मिले। गौरतलब हो कि सभी जेडीयू के वरिष्ठ नेता कर्पूरी ठाकुर संवाद कार्यक्रम में कहलगांव आए हुए थे। इसी दरमियान भागलपुर भी उन लोगों का पहुंचना हुआ। इस मौके पर जेडीयू के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के अलावा दर्जनों लोग मौजूद थे। यह जानकारी राष्ट्रीय सचिव युवा जेडीयू राकेश कुमार ओझा ने दी। भाग लेने के लिए हम कहलगांव आए और कल बांका भी कार्यक्रम धोरैया में है और उसी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और इसी बीच में हम अपने पार्टी के कार्यकर्ता जो हमारे सुड्डू साई हैं, इनके आवास पर आए हैं और यहाँ जो कार्यकर्ता साथी से मिलेंगे, फीडबैक लेंगे और उनसे रूबरू होंगे और उनकी समस्या कोई बात होगी तो उनसे सुनेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो है उनसे मिल के बात करेंगे। इसी बीच में और भी कोई आपके जहन में कोई बात हो तो पूछा जा सकता है। 2024 का कुछ तैयारी है क्या? तैयारी आप जानते हैं, हम लोग तो लगातार तैयार में रहे। नहीं, 2024 से पार्टी का मिशन ही है भाजपा हटाओ देश बचाओ। इसके लेके हमारे नेता ने संकल्प लिया है,
सभी विपक्षी मतों को जो है सभी विपक्षी एकता को है एक साथ कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि 26 दल हमारे साथ इंडिया गठबंधन आज अपना आकार ले लिया है, जिस कारण जो है भाजपा वाले लोगों को पसीना छूट रहा है, बेचैन है, हताश है, इसलिए अनाप शनाप बोल भी रहे हैं भाजपा वाले लोग। लेकिन खैर नहीं है, जो अच्छे दिन लाने के नाम पर, महंगाई कम करने के नाम पर, बेरोजगारी दूर करने के नाम पर, बेरोजगारों को नौकरी देने के नाम पर, किसानों को आय दुगना करने के नाम पर, 15-15 लाख एक खाता में देने के नाम पर, जो लोग को छल के ठग के उन्होंने जो केंद्र के सत्ता में आए हैं, जनता उनको समझ चुका है, खेल उनका खत्म हो गया है। अब आने वाला 2024 है, जनता उनको सबक सिखाएगी। चेहरा यहाँ तो लीडर ही लीडर है, सब लोग मिल के इसके लिए बेचैनी क्यों हैं? हम लोग आपस में तय कर लेंगे, सब लोग बैठ के तय कर लेंगे, इसके लिए आप चिंता नहीं करिए। जो आज संविधान, जो लोकतंत्र, जो लहूलुहान है, संविधान के संगे ढांचे नष्ट किया जा रहा है, कुचला जा रहा है, ये गौरवशाली इतिहास को जो बदला जा रहा है, नहीं एक आदमी के, कोई भी आदमी, एक भी व्यक्ति भाजपा के बारे में सच बोल दे तो उसके घर तक के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स दस्तक दे जाती है। ये हालात है। अभी चर्चा कर रहे थे पुराने साथी हैं कि इमरजेंसी के समय, इमरजेंसी के समय तो बदतर स्थिति है देश के हालात। देश किधर जा रही है, कहाँ जा रहा है, देख रहे हैं। तो ये स्थिति है, सब लोग समझ गया है। जो है आज जो है उसको धर्म की राजनीतिकरण कर रहा है भाजपा वाले लोग, और उसको हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से भी कोई मतलब नहीं। सही मतलब है कि सत्ता में कैसे बने रहें, इसकी वो चाल चल रहा है। इसीलिए जो मूल समस्या है, बेरोजगारी ने स्टैंड साफ कर दिया है। नहीं, आप सब जानते हैं, हमारे पार्टी के नेता ही कहते हैं कि सामाजिक एकता सद्भाव के बिना जो है किसी न समाज का विकास होता है, न राज्य का विकास होता है, न देश का विकास होता है। यहाँ तो सब लोग का अधिकार है सब, और ये सब को बेतुका जो है, बेवजह जो है, मैंने देने की जरूरी नहीं, हवा देने की। ठीक, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी आज हमारे निवास स्थल पे आ रहे हैं, और यहाँ सभी लोगों से, कार्यकर्तागण, नेतागण से रूबरू होंगे, और सभी संगठन से जितने भी समस्या हैं उस पर वो जानकारी लेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। यहाँ स्वागत हो रहा है कि हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष भागलपुर में दूसरी बार आ रहे हैं, तो हम लोग उस पर्पज से अपने आवास पे सभी कार्यकर्तागण मिल के उनका भव्य स्वागत करते हैं। उनका दौरा भी होगा विभिन्न स्थानों पर? नहीं, दौरा नहीं है, वो यहाँ से पुनः फिर कहलगांव चले जाएंगे, कहलगांव से फिर धोरैया विधानसभा में जाएंगे कल। पार्टी की मजबूती के लिए भागलपुर आ रहे हैं। अभी तो नए सदस्य का कैसा ऐसा कोई अथी नहीं है, लेकिन हम लोग का है कि अगले बार फिर सिस्टम से बना के जोड़ेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव से संबंधित ये पर्सनल व्यक्तिगत है, आज का व्यक्तिगत है। सुड्डू साई, पूर्व जिला अध्यक्ष, महानगर जदयू, भागलपुर। मालदा रेल मंडल द्वारा 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है स्वच्छता पखवाड़ा सप्ताह। विधायक अजीत शर्मा एवं कई रेल पदाधिकारी द्वारा किया गया रेलवे परिसर को स्वच्छ व साफ सुथरा। मालदा रेल मंडल द्वारा 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी बाबत आज भागलपुर के रेलवे स्टेशन परिसर पर सफाई अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के तहत भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के अलावा दर्जनों रेलवे कर्मी एवं यात्री मौजूद थे, जिन्होंने अपने हाथ में झाड़ू थाम कर पूरे स्टेशन परिसर को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया। वहीं भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि रेलवे स्टेशन परिसर में व्याप्त स्वच्छता अभियान कार्यक्रम अपने आप में बेमिसाल है। ऐसे सामूहिक जगह को स्वच्छ व साफ रखना बहुत ही जरूरी है। के तहत हम लोग सब ये भागलपुर स्टेशन पर आए हैं, और 10 बजे से हमारी स्वच्छता अभियान शुरू हो चुकी है, और इसमें हम बहुत शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं। हमारे माननीय विधायक साहब आए हुए हैं, एनजीओ के लोग आए हुए हैं, दो एनजीओ हैं, हमारे रेलवे कर्मचारी, हमारे पैसेंजर, पब्लिक सब इसमें भाग ले रहे हैं बढ़ चढ़ के, और हम लोग पूरा संकल्प है, पूरा विश्वास है कि हम लोग भागलपुर स्टेशन को, आसपास के परिसर को स्वच्छ बनाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम शिव कुमार प्रसाद, मैं ADRM मालदा हूँ।
हमारी नियुक्ति यहीं पर स्वच्छता कार्यक्रम में रखी गई है। हमारे डीआरएम महोदय मालदा स्टेशन देख रहे हैं और मालदा के और ये जो भागलपुर हमारे रेलवे मंडल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है। यहाँ फुटफॉल भी ज़्यादा है, यहाँ पैसेंजर का आवागमन भी ज़्यादा है और स्वच्छता पहले से भी हमारी प्रधानता रही है कि भागलपुर स्टेशन स्वच्छ रहे, नीट क्लीन रहे, पैसेंजर को आने जाने में कोई असुविधा नहीं हो, वातावरण बढ़िया हो। कि हम लोग महात्मा गांधी के अवसर पर 1 अक्टूबर को सबसे बड़ी बात है कि रेलवे के द्वारा आज भागलपुर जंक्शन पर यह सफाई अभियान शुरुआत की गई है। हम लोग बाद में और भी जगह करेंगे लेकिन सबसे पहले रेलवे के सभी कर्मचारी को हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। आप जिस तरह से सफाई कार्यक्रम में लगे हैं, क्योंकि पूरे देश में सबसे बड़ा रेल मंत्रालय होता है और सभी पदाधिकारी जिस तरह से उत्साहित है सफाई के अभियान में, सबको धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं। इसी तरह मिलजुल के रेल को आगे बढ़ाइए और देश को आगे बढ़ाने का। भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान के तहत किया महेशपुर काली मंदिर प्रांगण की सफाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में आज भागलपुर के महेशपुर काली मंदिर के प्रांगण में भी यह स्वच्छता अभियान भारतीय जनता पार्टी के महिला प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं द्वारा चलाया गया। इस स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। वहीं भाजपा नेत्री प्रीति शेखर ने कहा कि आज जिस प्रकार पूरे देश में प्रधानमंत्री स्वयं हाथ में झाड़ू उठाकर स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं, उनसे यह प्रतीत होता है कि वह स्वच्छता के प्रति कितने जागरूक हैं। उनसे प्रेरणा लेकर हम लोगों को भी अपने गांव, समाज और देश को स्वच्छ रखने का संकल्प लेना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में महिला मोर्चा की तरफ से आज महेशपुर काली मंदिर के प्रांगण में हम लोगों ने स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई और उन्होंने स्वच्छता का कार्यक्रम संपादित किया। आज पूरे देश में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी स्वयं झाड़ू उठाकर स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं, उससे यह प्रतीत होता है कि वो एक स्वच्छता के प्रति कितने जागरूक हैं और वो करोड़ों देशवासियों के लिए प्रेरणा का कार्य कर रहे हैं। आज हम सब लोग उसी प्रेरणा से कि हमें अपनी सफाई का के लिए स्वयं हमें चिंता करनी चाहिए, हमें आसपास की सफाई स्वयं करनी चाहिए और यह संदेश यदि सब लोग आत्मसात करेंगे तो निश्चित रूप से भारतवर्ष में कहीं भी गंदगी नहीं दिखेगी। हम सबों ने यह संकल्प लिया है कि आसपास हम लोग स्वच्छता फैलाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24x7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।